स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं नेबरहुड, जिसमें हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं कुछ। पहला एग्जांपल है द सेट रेशनल नंबर क्यू इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो रेशनल नंबर का सेट है वो इज नॉट, नहीं है नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, यानी अपनी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। कौन? रेशनल नंबर का सेट। तो रेशनल नंबर आप लोग समझते ही होंगे, ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें। और p और q क्या हैं? इंटीजर्स। व्हाट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन है। रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं एक बात और बता दें हम यहाँ, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सेट होता है। यानी हम कहें रेशनल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो कहेंगे सारे रेशनल होते हैं और सारे इरेशनल होते हैं। रेशनल नंबर ये हम बता चुके, क्योंकि क्वेश्चन ही रेशनल नंबर पे डिपेंड है। और रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये और सेट के बारे में क्लियर कर दिया कि रियल नंबर के सेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सारे रेशनल होते हैं और सारे इरेशनल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, रेशनल नंबर का सेट हमें गिवेन है और हमें ये प्रूफ करना है इसके किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड ये खुद नहीं है। तो हमने एक एलिमेंट लिया, लेट पी वी एनी आर्बिटरी रेशनल नंबर। पी एक आर्बिटरी रेशनल नंबर लिया, दैट इज, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं पी बिलोंग्स टू क्यू, यानी पी बिलोंग करता है क्यू को, या कहें पी रेशनल नंबर है, क्योंकि क्यू जो है रेशनल नंबर के सेट का सिंबल होता है। फॉर एनी, अब हम एक नेबरहुड के लिए एक इप्साइलन टेक कर रहे हैं, फॉर एनी इप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, यानी इप्साइलन क्या है, जीरो से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव है और रियल नंबर है। देन p माइनस इप्साइलन एंड p प्लस इप्साइलन आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। देखिए, p कैसा नंबर है, रेशनल, तो रेशनल है तो रियल होगा, क्योंकि रियल नंबर के सेट में रेशनल होते हैं, तो सारे रेशनल क्या होते हैं, रियल। इसका मतलब p रेशनल लिया है तो रियल होगा, रियल नंबर। इप्साइलन रियल नंबर है, तो रियल में से रियल माइनस करें रियल बनेगा, और रियल नंबर में रियल प्लस करें तो क्या बनेगा, रियल नंबर, ये हम जानते हैं। तो हमने यहाँ लिखा p माइनस एप्सिलॉन एंड p प्लस एप्सिलॉन आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट भी है, यानी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, क्योंकि p में से एप्सिलॉन माइनस करेंगे तो क्वांटिटी अलग आएगी, p में एप्सिलॉन प्लस करेंगे तो क्वांटिटी अलग आएगी, मीन्स डिस्टिंक्ट। और रियल में से रियल माइनस करें तो रियल बचेगा, और रियल में रियल प्लस करें तो रियल होगा, ठीक है। हाँ, अब हमने एक ये थ्योरम है, ये हम कहें स्टेटमेंट है, ये क्या, वी नो दैट बिटवीन एनी टू रियल नंबर, या डिस्टिंक्ट रहेगा, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए वो, डिस्टिंक्ट। क्या लिखा, वी नो दैट, हम जानते हैं बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, दो भिन्न भिन्न रियल नंबर के बीच लाई करते हैं इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट ही रेशनल नंबर होते हैं, ये ध्यान रखना है, कभी भी यूज हो जाता है ये कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हमने ये लिख दी ये लाइन,
कि हमें रेशनल की जरूरत नहीं है, हमें ये दिखाना है कि नेबरहुड नहीं है, तो रेशनल तो होंगे ही, लेकिन हमने ये दिखाया इसमें इरेशनल नंबर भी हैं, किन के बीच में, पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन के बीच में, विच आर नॉट बिलोंग्स टू क्यू, मतलब इरेशनल नंबर रेशनल नहीं होते हैं, इसलिए क्या लिखा हमने, विच आर नॉट बिलोंग्स टू क्यू, यानी क्यू को बिलोंग नहीं करते हैं रेशनल नंबर, वी नो। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम सो दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओपन इंटरवल हम नेबरहुड के लिए क्या एग्जिस्ट कराते हैं, एक बनाते हैं पी माइनस एप्सिलॉन कॉमा पी प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि पी का नेबरहुड बताना है, तो ये हमने ओपन इंटरवल बनाया। और इसमें देखिए ओपन इंटरवल ऐसा होता है कि इसमें पी बिलोंग जरूर करता है जिसका हम नेबरहुड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसा इंटरवल बनाएंगे ओपन इंटरवल जिसमें पी बिलोंग करे, यानी पी लाई करे, यानी पी इसमें हो। तो हम जानते हैं पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन के बीच में पी जरूर होगा, देखिए पी पी प्लस एप्सिलॉन यहाँ आएगा और पी माइनस एप्सिलॉन यहाँ आएगा, देखिए पी नंबर ये है, पी से कुछ कम तो इधर, पी से कुछ ज़्यादा तो इधर, एप्सिलॉन कुछ छोटा नंबर होता है, तो पी इन दोनों के बीच में है ऑलरेडी। हमें ये दिखाना है कि ये जो ओपन इंटरवल है ये क्यू का सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर क्लियर कर दिया कि इन दोनों नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर क्यू को बिलोंग नहीं करते, तो इसके बीच इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर इसके एलिमेंट नहीं होंगे इरेशनल नंबर के, देयरफॉर ये जो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट किया है ये इसका सबसेट नहीं होगा, सबसेट का सिंबल ये और नॉट सबसेट ये, यानी सबसेट क्रॉस नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हम कहें रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं, लेकिन रेशनल तो इसमें होंगे लेकिन इरेशनल नहीं होंगे, और सबसेट जब भी होता है कि इनके बीच सारे एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करें, यानी इस सेट में कंटेन करें, या हम कहें ये सेट इन सारे एलिमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, तो कंटेन नहीं कर रहा है यहाँ, सबसेट नहीं है, सिंस पी ये रह गया, देयरफोर पी इज नॉट नेबरहुड, सॉरी क्यू इज नॉट नेबरहुड ऑफ पी, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि क्यू जो है पी का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये जो यहाँ क्वेश्चन में है कि क्यू जो नेबरहुड अपने किसी भी पॉइंट का नहीं है, हमने यहाँ पी के लिए प्रूफ किया, पी एक आर्बिटरी नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे ये स्टेटमेंट, सिंस पी इज एन आर्बिटरी पॉइंट ऑफ क्यू, या आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ क्यू, क्या है, सिंस पी एक आर्बिटरी नंबर है क्यू का, देयरफोर जब आर्बिटरी नंबर है, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, तो आर्बिटरी जब हम टेक करते हैं कोई सा भी एक ले लिया अचानक, तब हम कह देंगे कि क्यू इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, यानी क्यू नेबरहुड नहीं है अपने किसी भी पॉइंट का, अपने किसी मतलब अपने सेट में जितने भी एलिमेंट है उस किसी भी पॉइंट का, किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन किया था कि ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी ओपन इंटरवल अपने सारे एलिमेंट का नेबरहुड होता है, लेकिन रेशनल नंबर अपने किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूरी नहीं है, रेशनल नंबर दे दिया हमें, ये नंबर का जो सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। मान लो यह क्वेश्चन लिख दें हम रियल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, है ना, तो थ्योरी में लिखना होता है ज़्यादातर, लेकिन समझ में आ गया हम थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है।